हाय फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जो आपके मन में हो वो सामने आ जाए तो कितना मन हल्का हो जाता है। आज मैं वो सारी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किस बेस पे कहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम फला चीज़ से रिलेट करता है, आपका एग्ज़ाम इस चीज़ से रिलेट करता है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करके मुझसे बताया कि सर आप कैसे जान सकते हो, आप थोड़े ना PMCM हो। बिल्कुल राइट कह रहे हो, ना ही मैं हूँ ना ही आप हो, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि मैं कैसे कहता हूँ, चूँकि मैं खुद एक DLED का एस्पिरेंट्स रह चुका हूँ और मेरे बैच में आपको बिलीव नहीं होगा, 2018 के बैच का रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, 2018 के बैच में एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट निकलवाने के लिए भी हम लोग PNP पे धरना देते थे, 10-10 बजे रात तक धरना दिए हैं। और बात सुनो, उसके बाद क्या होता था कि चौथे सेमेस्टर में हम लोगों का एग्ज़ाम जो था वो लीक हो गया और हमें वैकेंसी में एलिजिबिलिटी होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने थे और उस 1.5 महीने में हम लोगों ने धरना दे करके एग्ज़ाम करवाया और उसका रिजल्ट भी निकलवाया। सो इस बेस पे मैं जानता हूँ कि PNP क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। इस बेस पे मैं आपको बताता हूँ कि एग्ज़ाम कब होगा और कहाँ होगा। तो ऐसे लोग जो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को देख के पूरा समझ लें फिर कमेंट्स किया करें, बिकॉज मैं कभी फेक न्यूज़ नहीं देता हूँ और कभी फैक्ट को छोड़ता भी नहीं हूँ, ये याद रखना। इसलिए मैंने आज रखा है कि फेक वर्सेस फैक्ट, ध्यान से समझना आप लोग कि क्यों नहीं हो सकता है आपका एग्ज़ाम, ये चीज़ जानना। आप लोग बोलते हो ना कि सर आप थोड़े ना CM हो, आप थोड़े ना PM हो, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि मैं हूँ नहीं लेकिन मैं उस जगह से गुजरा हूँ जहाँ से आप अभी गुजरने वाले हो, तो इस चीज़ को एकदम ध्यान में रखिएगा। अब क्यों नहीं हो सकता आपका एग्ज़ाम, मैं दे रहा हूँ लिख के होगा। और एक कंडीशन समझ लो आप सब लोग, चाहे आपका प्रमोशन हो, चाहे आपका कुछ भी हो, चाहे आपका प्रमोशन हो, चाहे आपका एग्ज़ाम हो, चाहे वो एग्ज़ाम एक ईयर बना के ले लिया जाए, चाहे सेमेस्टर वाइज लिया जाए, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर लिया जाए, चाहे सेकेंड सेमेस्टर, अलग अलग लिया जाए, हर कंडीशन में अगर आपका प्रमोशन होगा तो सिर्फ एक सेमेस्टर का प्रमोशन होगा, आपके लास्ट सेमेस्टर यानी चौथे सेमेस्टर में आप सबको एग्ज़ाम देना होगा। ये मैं लिख के दे रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी भी थर्ड ईयर वालों को प्रमोट नहीं किए। अब सुनो ध्यान से, चौथे सेमेस्टर में पास वही होता है ना जो फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स जानता है, जो सेकेंड की जानता है, जो थर्ड की जानता है, वो जाके फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स को लगा सकता है, बिकॉज कैलकुलेशन इतना हार्ड होता है दोस्तों, क्योंकि मैं खुद गुजरा हूँ और मेरे साथ के बहुत सारे बच्चे गुजरे हैं। सो, जो कोई एक्सपीरियंस वाला इंसान अगर कुछ चीज़ें बता रहा है तो उसको सोचा करो, फालतू की चीज़ों में कमेंट्स ना करा करो, ठीक है। और मुझे ऐसे लोगों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, आप प्रमोस्ट भी हो जाओगे तब भी आपको एग्ज़ाम तो देना ही देना है, हर हाल में एग्ज़ाम देना है, ये जान लो। और एग्ज़ाम देने के लिए आपको सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करने का मतलब ही होता है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो चाहे आप प्रमोट हो या ना हो, चाहे आपका एग्ज़ाम आज हो चाहे कल हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना तो उसको डर नहीं लगता। अब जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर वो पढ़ाई करते हैं तो उनको कभी डर नहीं लगता है। डर किनको लगता है, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो ये सब चीज़ों को खाली बैठे हुए हैं। वो अपने दिल में झांक के देखें, अगर उन्हें पढ़ाई करना आता है या वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें कभी डर नहीं लगता, ठीक है। हाँ, एक टेंशन बनी रहती है कि एग्ज़ाम होगा कब, इस चीज़ की टेंशन रहती है, लेकिन जो पढ़ाई नहीं करते ना वो पढ़े हैं चुपचाप, प्रमोट कर दो प्रमोट कर दो। मैं आपको बताऊँ, ये प्रमोशन इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। PNP को हम लोग झेले हैं, हम लोग देखे हैं, बहुत अच्छे से देखें, किसी दिन आपके सामने एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे। अगर आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके कि क्या एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो, हम लोग अब दिया है, कौन करवाता है एग्ज़ाम, तो इस चीज़ को समझना, सरकार एग्ज़ाम नहीं करवाती है, पहली चीज़ जान लो। PNP ही आपका सब कुछ करवाएगी। PNP जिस दिन ठान लेगी कि आपको प्रमोट करके ले जाना है, ये प्रमोट करके ले जाएगी। जिस दिन ठान लेगी कि आपका एग्ज़ाम एक दूसरे के साथ करवाना है, ये करवा लेगी। मतलब एक दूसरे के साथ, मतलब फर्स्ट सेकंड मिला करके एक ईयर बना दिया जाए, थर्ड फोर्थ मिला करके एक ईयर बना दिया जाए, मतलब 2 साल का पेपर, 2 ही बार पेपर आपको देना हो। इस तरह से जो भी चीज़ें होंगी वो सब का सब PNP डिसाइड करती है, सरकार सिर्फ मुहर लगाती है, आज से याद रखना। तो कहीं भी लिखा हो ना कि CM योगी ने ये आदेश दिया, योगी कुछ नहीं आदेश देते हैं, उनको 20 विभाग देखने हैं, एक विभाग नहीं देखना है, उनको अपनी राजनीति देखनी है, इसलिए अधिकारी बनाए गए हैं हर विभाग के लिए। तो आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग आगे पढ़ रहे हो, इस चीज़ को समझना। तो एग्ज़ाम करवाता सिर्फ PNP है और PNP ही डिसाइड करेगा कि चीज़ों को कैसे करना है कैसे नहीं करना है। नेक्स्ट आता है, क्यों प्रमोट नहीं कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है। देखो मैं फैक्ट बता रहा हूँ, रीजन सबसे बड़ा ये है कि अगर आपको प्रमोट कर देंगे तो किस बेस पे पढ़ेंगे। पहला चीज़, अगर मान लो सिर्फ प्रमोट करके लिख दिए तो आपके लिए जो लोग देख रहे हो वैकेंसी में जाके प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके नंबर्स तो जुड़ नहीं पाएंगे, तो नंबर्स कहाँ से ऐड कराओगे। दूसरी चीज़, अगर प्रमोट कर देंगे तो इनके पैसे नहीं बनेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगर ये प्रमोट कर देंगे तो इनके पैसे बनना
दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैक होते हैं या जिनको लगता है डर कि ये बैक हैं, तो वो पैसों का लेन देन होता रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझना, ठीक है। अब ये इसीलिए जो चीज़ें हैं वो फैक्ट वर्सेज और फेक हैं। तो फेक कौन सी चीज़ें हैं, ये जो आप सुनते हो कि एग्ज़ाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, और जो भी मैं एग्ज़ाम की अटकलें लगाता हूँ, वो चाहे 7 अगस्त बताया हूँ, चाहे 15 अगस्त बताया हूँ, ये सब का सब मैं बेस्ड ऑन PNP एक्टिविटी। जब तक आप बेस्ड ऑन PNP एक्टिविटी नहीं बता पाओगे, तब तक कुछ कर नहीं पाओगे। और जो लोग कहते हैं CM योगी ने आदेश दिया, ये ने आदेश दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। CM योगी का कोई हाथ नहीं है, सबसे बड़ा हाथ PNP का है। और PNP को अभी आप लोग झेले नहीं हो, अभी तो आप बस बैठ के वीडियोज को ऑनलाइन देखते हो, झेले नहीं हो। जिस दिन PNP पे जाके धरना दोगे ना, उस दिन पता चलता है कि कितना दिक्कत होती है। अपना एग्जाम देते थे हम लोग, अपना ही रिजल्ट निकलवाने के लिए हम लोगों को धरना देना पड़ता था। सो दोस्तों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ आपके हाथ में पढ़ाइए, सिर्फ आपके हाथ में पढ़ाइए। हर वीडियो के लास्ट में मैंने यही बताया कि आप सिर्फ पढ़ाई कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। बाकी YouTube पे बैठ के वीडियोस देखना, दिल को तसल्ली देना और ये सब चीज़ें करना, वो आप करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो, पास वही होगा जो पढ़ाई किया रहेगा। तो इसलिए फोकस पढ़ाई करने पे रखो, ठीक है। तो तब के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज के साथ। एंड प्लीज़ बी पॉजिटिव, आगे बढ़ने की कोशिश करो। बिकॉज कोई भी चीज़, आप देखो, आप आज प्रमोट हो रहे हो, लेकिन कल के लिए टेट दोगे, सीटेट दोगे, कुछ भी चीज़ें दोगे, तो क्या वहाँ भी प्रमोट हो जाओगे? नहीं हो सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपके सेमेस्टर्स की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। आपके सेमेस्टर की पढ़ाई अगर आप किए रहोगे, तो आप वैकेंसी दोगे, सीटेट दोगे, टेट दोगे, सब कुछ आपका निकल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।